तो दोस्तों बम्बू का तो हमारे भारत देश में बहुत से इस्तेमाल है, चाहे नदी पार करने के लिए ब्रिज बनाना हो या पुलिस को चोरों की सुटाई करनी हो, बम्बू का काम आता ही आता है। तो आज मैं आपको इसी कड़ी में बम्बू का एक नया यूज बताने वाला हूँ जो आप बिल्कुल ना कभी सुने होंगे ना कभी देखे होंगे। तो हेलो इंजीनियर्स एंड वेलकम टू ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं इंजीनियर गौरव साहू, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन रहने वाला है वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर। बिल्कुल सही सुना आपने, क्रैश बैरियर जो हमारा स्टील का बनता था, कॉन्क्रीट का बनता था या फिर प्लास्टिक का बनता था, बट अब हमने क्रैश बैरियर बना दिया बैम्बू का। तो इसके बारे में जानेंगे, कैसे बनाया, क्या क्या प्रोसेस इस पे इन्वॉल्व थे, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है और कहां पे बना है ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हमारे रिस्पेक्टेड मिनिस्टर ऑफ रोड एंड हाईवे हमारे नितिन गडकरी का ट्वीट दिखाना चाहूंगा, जिन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि 200 मीटर का बम्बू का बना हुआ क्रैश बैरियर बनाया गया है। कहां बनाया गया? वानी वरोरा हाईवे महाराष्ट्र में बनाया गया है। तो आइए जानते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ और किस प्रकार का बम्बू इसमें यूज किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बम्बू जैसे कि आप सभी जानते हैं काफी ज्यादा ड्यूरेबल और हाई स्ट्रेंथ वाला मटेरियल होता है। बम्बू का तो हमने बिल्डिंग भी खड़ा किया, बम्बू को हमने बीम और कॉलम के सब्स्टिट्यूट में भी यूज किया है, हमारे रॉड की जगह भी बम्बू को यूज किया है। बट अब हमने इसका क्रैश बैरियर बनाया कुछ इस तरीके का, आप देख सकते हैं। तो ये बना कैसे, इसका पहले कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जान लेते हैं। तो हमारा जो बैम्बू का जो प्रजाति है वो है बैम्बूसा बेल्कोवा। ये है हमारा बैम्बू का स्पीशीज। ये स्पेसिफिक स्पीशीज इसलिए लिया गया क्योंकि ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल है और काफी कॉमनली हमारे इंडिया में पाया जाता है और काफी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। तो आइए जानते हैं क्या क्या स्टेप्स इस पे इन्वॉल्व थे। तो सबसे पहला हमारा प्रोसेस था, जो हमारा बैम्बूसा बेल्कोवा का बैम्बू था उसे हमें प्रोसेस करना होगा। तो प्रोसेस करने के लिए हमने सबसे पहले बैम्बू काटा, बैम्बू काट के हमने उसे पीसेस बना लिए, ये हमारा स्टेप नंबर वन था। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस पे क्रियोसेट ऑयल से ट्रीटमेंट कराया। आप सभी को पता है जो क्रियोसेट ऑयल है, ये हमारा टार का डिस्टिलेशन करने के बाद जो हमें हैवी ऑयल मिलता है वो होता है हमारा क्रियोसेट ऑयल। आपको मैं ये भी बता देना चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट कोई भी अगर वुड का आइटम बाहर लग रहा है, अगर वो रेलवे में लग रहा है या कहीं भी लग रहा है, तो उसे हमें क्रियोसेट ऑयल से ट्रीट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक तरह से वुड प्रिजर्वेटिव का काम करता है। फंगस से लेकर किसी भी बैक्टीरिया या हो सकता है टर्माइट, इन सभी से हमारे वुड को बचाता है हमारा क्रियोसेट ऑयल। तो अंडर प्रेशर हम इस बैम्बू को ट्रीट करेंगे क्रियोसेट ऑयल में, ताकि जो हमारा क्रियोसेट ऑयल है ये इसके अंदर तक सीप इन हो जाए और जब हम इसे क्रैश बैरियर बनाए तो इसमें भी किसी भी तरह का टर्माइट अटैक ना हो। ये एक तरह का इसका एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम जाते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, इस पे हमने हाई डेंसिटी पॉलीइथाइल की एक लेयर कोटिंग करी है, HDPE जिसे हम कहते हैं, इसे हमने कोट किया, इसकी एक लेयर बांधी। क्यों बांधी है? HDPE आप सभी को पता है एक प्लास्टिक तरह का मटेरियल रहता है जिससे कि इसको हाई ड्यूरेबिलिटी और हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगा, जिससे कि इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी, साथ ही साथ जो वेदरिंग होगी हमारे सनलाइट या बारिश उस सबसे भी ये बचकर रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, हमने कैसे इस बैम्बू को ट्रीट किया, ट्रीट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस लगे, क्या क्या मटेरियल लगा, उसके बाद हमारा बैम्बू प्रिपेयर्ड हुआ, उसके बाद हमने उसका क्रैश बैरियर बनाया। क्रैश बैरियर बनाया तो क्यों बनाया? हमारे पास ऑलरेडी स्टील के बैरियर्स थे, हमारे पास प्लास्टिक के बैरियर्स थे, हमारे पास कॉन्क्रीट के बैरियर्स थे, तो बैम्बू की जरूरत क्यों पड़ गई? इसके लिए मैं आपको चार रीजन बताऊंगा। तो सबसे पहला हमारा रीजन है कि ये है हमारा सस्टेनेबल। सस्टेनेबल कैसे? तो जो हमारा बैम्बू हुआ इंडिया में काफी अच्छी तरीके से काफी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है और ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, तो ये काफी ज्यादा सस्टेनेबल रहेगा। साथ ही साथ ये जो हमारा है इको फ्रेंडली है, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है, एक ग्रास की प्रजाति से आता है हमारा बैम्बू, तो काफी ज्यादा इको फ्रेंडली भी रहेगा, हमारे एनवायरनमेंट को इंपैक्ट नहीं करेगा। साथ ही साथ ये हमारा बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको पता ही होगा कि हमारा आयरन, स्टील और कॉन्क्रीट का रेट आजकल कहां जा रहा है। आज हमारा सीमेंट का रेट 350 रुपीज पर बैग तक पहुंच चुका है, वहीं पर हमारा बैम्बू को अगर हम कंपेयर करें तो काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बन जाता है। साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ, सस्टेनेबल होने के साथ साथ, इको फ्रेंडली होने के साथ, ये इक्वली सेफ है। जितना हमारा स्टील का बैरियर होता है, जितना हमारा कंक्रीट का बैरियर होता है, उतना ही हमारा बैम्बू का क्रैश बैरियर भी सेफ है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जाना था कि क्रैश बैरियर का जो मेन पर्पस रहता है वो अपॉन इंपैक्ट, जब हमारी कार का एक्सीडेंट होता है तो जितना भी इंपैक्ट जनरेट होता है उसे खुद में और कार के क्रम्पल जोन में ही डिस्पर्स करता है, जिससे कि पैसेंजर कंपार्टमेंट तक वो फोर्स ना आए और पैसेंजर्स को कम से कम नुकसान पहुंचे। तो
हमारा इंडियन रोड कांग्रेस ये कहता है कि हमारा जो बैम्बू का क्रैश बैरियर है उतना ही सेफ है जितना हमारा स्टील का बैरियर है और हमारा कंक्रीट का बैरियर है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि बैम्बू का क्रैश बैरियर क्या होता है, कहां पे बना है और क्यों ट्रायल बेसिस पे हम इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इको फ्रेंडली है और इंडिया में बैम्बू की कमी कोई नहीं है। अगर इसे हम एक स्टील और कंक्रीट के बैरियर की जगह एज अ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ क्रैश बैरियर देखें तो काफी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अभी तो ट्रायल बेसिस पे हमने 200 मीटर्स का बनाया, मे बी फ्यूचर में अपॉन टेस्टिंग अगर रिजल्ट्स और अच्छे प्रॉमिसिंग आते हैं तो मे बी फ्यूचर में हो सकता है कि हमारे सिर्फ बैंबू के क्रैश बैरियर ही हमें देखने को मिले। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जाते जाते मैं बस आपको बोलना चाहूंगा, करना है कुछ खास तो चलिए हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। अंटिल देन थैंक यू सो मच।